एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है मोइनीस लाइफस्टाइल। और आज आपको लग रहा होगा ना कि कभी तो एकदम बिना बिना मेकअप ऐसे बिना मुंह धोए कैमरे के सामने आ जाती है। और आज जो है इतना तैयार, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी एक, और इससे पहले वो वीडियो आ चुका होगा, अगर नहीं देखा है अभी तक तो जाके देख लीजिए मेरा पहाड़ी लुक। और अभी मैंने नथवत सब उतार दिया, तो खाना वाना सब लोगों ने खा चुका है, मैंने नहीं खाया, तो मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने और मेकअप नहीं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी एक वीडियो और शूट करना है, तो इसलिए पहले खाना खा लेती हूँ। शानवी की चल रही है पेंटिंग, क्या बना रही हो शानवी? क्या बना रही हैं? ड्रॉप्स। ये कोई पेंटिंग है? तो फिर मतलब इस ड्रॉप से क्या होगा? बस ऐसे ही पेंटिंग चल रही है। तो चलिए खाना निकाल लेती हूँ मैं अपना। और ये देख, किचन में आपको दिखेगा अंधेरा और मेरी थाली शायद पहले से लगी हुई है। जी हाँ, ये देखिए थाली पहले से लगा के रखी है, ये मम्मी ने लगाई होंगी, तो मैं चलती हूँ। थाली देखिए, किचन ना पूरा ये देखिए कबाड़ हो रखा है, तो बनवाना है किचन, ये लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद किचन बनवाएंगे। और किचन अभी तक क्यों नहीं बनवाया आप लोग ये क्वेश्चन भी करोगे, तो मैं पहले ही जवाब दे देती हूँ इस चीज़ का कि किचन अभी तक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पापा ने मना किया था, बन नहीं सकता था हमारा किचन। पापा मतलब मेरे ससुर जी, उन्होंने अभी मना किया था कि आप लोग अभी कुछ भी घर पे कुछ करवाओ मत या कुछ भी। हम लोगों का जो है जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली के हिसाब से काम चलता है, तो अपने आप तो चलता नहीं है, जॉइंट फैमिली के हिसाब से काम चलता है। इसलिए मैं खाना खा के टेस्ट करके बताती हूँ। आज बनी है करेले की कलौंजी, आपने थाली देखी थी, मेरी फेवरेट, हाँ शानवी की फेवरेट। और ये बनी है करेले की कलौंजी, और कलौंजी की वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दिखा चुकी हूँ कलौंजी, तो टेस्ट करके देखते हैं। आज मम्मी ने बनाई है, बहुत टेस्टी बना। बिना सलाद के ना, एक मेरी आदत ना सब लोग जानते हैं, मतलब मेरे घर में मेरी मम्मी पापा सब लोग, कि बिना सलाद के मैं खाना नहीं खा पाती, मतलब जब तक सलाद रहेगा तब तक मेरा खाना चलेगा, और सलाद ख़त्म तो खाना ख़त्म। तो अच्छी आदत है, बुरी नहीं है, अच्छी आदत है। तो करेला बहुत टेस्टी लग रहा है, चावल मैं नहीं खाऊँगी, पता नहीं कि 2-3 दिन से मुझे भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी, बस रोटी खाती हूँ, चावल नहीं खाती नहीं। चलिए मैं खाना फिनिश कर लेती हूँ, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। खाना मेरा हो गया है और ये दोनों के दोनों अभी भी स्टार्ट है अपने ड्राइंग पे। क्या बनाया? ड्रॉप्स दिखाओ अपनी, क्या बनाया उसका? ड्रॉप्स ही उन्होंने ले लिया। उन्होंने क्या कर रहा है उसका? अच्छा, जो ड्राइंग तुमने बनाई वो बताओ, वो दिखाओ। ये देखिए शानवी की ड्राइंग, पास से दिखाओ, ने आंखें बंद बनाई हैं, ये शानवी की ड्राइंग। वो एयर फील कर रही है। ये यूं ना, तुम क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हैं? इनको कुछ नहीं पता, ध्यान से देखिए इनको, कुछ पता है आपको? कुछ पता है क्या बना रहे हो आप? कुछ कुछ नहीं पता है, बस बना रहे हैं। अच्छा धीरे, लड़ाई नहीं करो, अपना अपना बनाओ, अपना अपना अलग अलग रखो, बहुत झगड़ा करते हैं। अच्छा मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के बच्चे भी क्या ऐसे ही करते हैं? ये दोनों के दोनों पूरा दिन इन लोगों का झगड़ा सुलझाने में लगता है, पूरा दिन लड़ाई करते हैं, अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो चलिए खाना मैंने खा लिया है, अब चलते हैं वापस, एक वीडियो शूट करना है मुझे अभी, तो उसके लिए मैं कपड़े चेंज करूँगी और मेकअप तो यही रहने दूंगी, कपड़े चेंज करूँगी, थोड़ा सा लुक थोड़ा सा चेंज करूँगी क्योंकि वो एक प्रोडक्ट का रिव्यू है, तो थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज कर लूँगी क्योंकि हमेशा एक ही कपड़ों में बार बार वीडियो आएगा तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए चेंज कर लेते हैं। तो कपड़े चेंज करके मिलती हूँ मैं आपको, वीडियो शूट करती हूँ। वीडियो मैंने शूट कर लिया है और ड्रेस भी चेंज कर ली थी, आपने देखा मैंने सिंपल सा ये टी शर्ट डाल ली, और अब मैं वीडियो एडिट करूँगी क्योंकि मेरे पास आज के लिए कोई वीडियो नहीं था अपलोड करने के लिए, तो मैंने तुरंत तुरंत ही बस वीडियो बनाया है और तुरंत से इसको एडिट करूँगी और 4 बजे तक मुझे इसको अपलोड करना है, तो आज का काम आज ही फटाफट से होगा। और वीडियो बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। एक तो ना कसम से मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन ये ना प्लेन गुजरेगा यहाँ से, जब से मैं वीडियो बनाने आई हूँ तब से इतना ज़्यादा शोर होता है, जबकि लॉकडाउन है, पूरे शहर में लॉकडाउन है तब भी इतना शोर होता है,
तो देख लीजिए वीडियो बनाने के बाद कितना मैस होता है, ये सब फैलाया है। तो इसको करूँगी क्लीन और उसके बाद कंटिन्यू रहती हूँ वीडियो पे। शाम का आपको, आपके साथ चाय पियेंगे शाम को, उसके बाद वीडियो का एंड करूँगी। तो चलिए, तो शाम हो गई है, चाय मैंने पी ली, अभी भी ख़त्म की। जैसे ही चाय ख़त्म की वैसे ही ध्यान आया कि यार मैंने वीडियो में बोला था कि चाय शाम को आप लोगों के साथ पीऊँगी, एडिट करते करते सब भूल गई, जल्दी जल्दी वीडियो एडिट करना था। अपलोडिंग पे लगा दिया है और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। सुबह वाला रेड कुर्ता दूसरा था, आपका रेड कुर्ता दूसरा है। देखिए फिर लड़ाई, चार्जिंग पे लगा के तुम लोग वीडियो गेम खेल रहे हो। चार्जिंग से हटाओ, चार्ज नहीं है तो फिर थोड़ी देर चार्ज करो फिर खेलना। सो शाम का टाइम हो गया, अब मैं थोड़ा सा अपना ये फेस का मेकअप वेकअप धुलूंगी। इतना अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने धोया नहीं, अच्छा लग रहा था इसलिए धोया नहीं। तुम हमको क्या देख रही हो? देखो ये कैमरा देखते हैं अपने कपड़े ठीक करने लगे, सोच रही है कि कहीं वीडियो वीडियो में आ रही हूँ। चावल बिन रही है, चावल खराब हो गया था, चावल पे बहुत ज़्यादा कीड़े वीड़े हो गए थे, मतलब रखा रखा चावल पुराना हो जाता है ना। और देखिए उजाले में मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी चाय वाय पी ली तो थोड़ा सा लिपस्टिक ना ये अंदर से निकल जाती है इधर से, क्योंकि इधर वाटरी वाटरी होता है ना, लिप्स जो होते हैं वो वाटरी वाटरी होते हैं, इसलिए यहाँ से निकल जाती है लिपस्टिक। बाकी लिपस्टिक एकदम सही है। अभी पापा नहीं है घर में तो हम लोगों की बड़े मस्ती है, कहाँ बरामदे में बैठो सब जगह बैठो, पापा नहीं है, पापा गए हैं गांव। चप्पल यही शानवी पहन के इधर उधर की होगी, शानवी की आदत है चप्पल इधर उधर करने की। तो अभी पापा नहीं है तो हम लोग बड़े आराम से बढ़िया से कहीं भी बैठते, पापा आ जाते तो फिर अपने अपने कमरों में रहते हैं चुपचाप, और तभी मैं वीडियो शूट भी कर पा रही हूँ बाहर वाहर घूम घूम के, पापा रहेंगे तो नहीं कर पाती। तो ये हैं कांति जी। कांति जी अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका नाम क्या है कांति? अरे उसका जो कहा इनका कांति, इनकी बेटी का नाम है, सब इनका बेटी का नाम इनका लेते हैं। ये चावल बिन रही हैं अभी, तो चलिए अभी रात के खाने का भी इंतज़ार करेंगे। उससे पहले जो मेरा फेवरेट पार्ट है ना, शाम के टाइम पे छत पे जाना, मैं बार बार ना स्क्रीन देखती हूँ कैमरा देखती हूँ, क्योंकि फेस जब अच्छा अच्छा लगता है ना बार बार अपने आप को देखने का मन करता है। तो अभी छत पे जाएंगे, थोड़ी देर छत पे मस्ती करेंगे, पहले मैं फेस को वॉश कर लेती हूँ। पहले फेस को नहीं, इतना मेकअप देख के लोग कहेंगे कि कहाँ कहाँ के लिए बारात, मतलब लॉकडाउन में लगता है मानसिक संतुलन खो बैठी है, सारा मेकअप घर पे यूज़ कर दे रही है। है मम्मी, मुझे कोई इतना मेकअप देखे हुए घर में देखेगा तो सोचेंगे मोनू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, कहीं बाहर जाने के लिए मिल नहीं रहा है तो सारा मेकअप घर में कर डाल रही है। ये सोचेंगे सोचेंगे कि ये मेकअप कहीं तो यूज़ कर नहीं पा रही है, तो लाओ घर ही में पोत ओत के बैठे हैं, है ना? मोटी लग रही है। अरे इसमें जूम आता है ना तो सबका देखे, मेरा फेस इतना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा मेरा मुंह थोड़े ना है। उस दिन यानी परसों जब वीडियो बनाए थे तब आपके बारे में सब कह रहे थे कि अरे आपकी सास तो बहुत अच्छी है, जो उतना आपने हाय हेलो नहीं थोड़ा सा बोला था, तब कमेंट कह रहे थे आपकी सास बहुत अच्छी है। अपने आप को ये ऐसे बोल रहे कितना लायक है, भाई सुंदर है, सुंदर है, सुंदर। ये देखो हाँ तो देख तो रही हो। सब लोग बता देना भाई कांति दिख रही है, कांति दिख रही है, अपने आप को पूछ रही है हम दिख रहे हैं। चावल बिनते ही, हाँ चावल बनाएगा, अब खाना बनाने की तैयारी करेंगे। मैं आज हेयर वॉश किया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाल स्ट्रेट स्ट्रेट। वैसे मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, कहीं जाना वाना नहीं होता तो बाल भी नहीं धोती, जाना होता तो। मम्मी का फ़ोन बज गया, तो चलिए छत पे चलते हैं, थोड़ा सा मस्ती करते हैं। पहले उससे पहले फेस को वॉश कर लेती हूँ मैं अपने। नाना से बात कर, तन्वी लड़ी देर बात कर, नाना कर रही हूँ, स्पीकर ऑन करें। रखिए हेलो, किस से बात करनी है? नाना से। नाना को तो हम तुम्हारे पास कोरियर कर दिए हैं। तन्वी, चौथा बाबू,
हम ही तो हैं छोटा बाबू, बहुत छोटे हैं। तुम कैसी हो? तुम बड़ी हो गई क्या? हमसे बड़ी हो गई क्या? हाँ अरे चैनल पे मेरे वीडियो पे तुम्हारी बेटी की आवाज पूरी जा रही है। हाँ एक हाथ से वीडियो शूट कर रहे हैं। अब बहुत धीमी आवाज है फोन की, हमको लगता है जाएगा नहीं। आ गई लड़की कब्जे में छुप गई। देखो मेरा काम है रियलिटी दिखाना, तो देख सकते हैं आप कैमरामैन मोहिनी के साथ रिकॉर्डिंग। यार हमेशा ये पकड़ी जाती है, छोड़ो आज छोड़ देते हैं, हमेशा पकड़ी जाती है ऐसे। और हम आ गए छत पे, तो आपको दिखाती हूँ। मैं ना ऊपर वाली छत पे आई हूँ, जो ऊपर तीसरी मंजिल की छत है ना उस पे आई हूँ। ये है नीचे वाली छत जिस पे मैं आपको रोज़ दिखती थी, वो छत है। और मैं अभी आई हूँ ऊपर वाली छत पे। किस रास्ते से बताऊँ? किस रास्ते से आए हैं? इस रास्ते से, देखिए ये वाली सीढ़ी लगा के, दिख रही है सीढ़ी किधर है? हाँ ये सीढ़ी, ये वाली सीढ़ी लगा के हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर। और बच्चे खेल रहे, देखिए बच्चे अब ऊपर खेल रहे, बड़े खुश हो रहे क्योंकि यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा आता। देखिए देखिए आसमान कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा हुआ है आज। देखिए पूरा आसमान कितना अच्छा लग रहा है। अगर देखो जिया किसी को ना फोटोग्राफी अच्छी आए ना, तो इसमें देखो कितनी अच्छी फोटो आएगी ना। तुम नहीं दिख रही, उधर अंधेरा हो रहा है, उधर अंधेरा हो रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ आंगन, तीसरी मंजिल से नीचे आंगन। ये देखिए वो देखिए नीचे एकदम डल रहा है, कहीं हाथ से मेरा फोन ही ना छूट जाए। तो सो फिर से चुपके से जाते हैं, देखो हाँ चुपके से। तुम तो ऐसे डर रही हो चिये, जैसे तुम इतनी भयानक, ऐसे लग रहा तुम तो राक्षस नहीं लगती हो, जैसे लग रहा भयानक। मतलब तुम राक्षस नहीं लगती हो? तुम राक्षस लगती हो क्या? ऐसे डर रही हो बिना मेकअप के, इतनी सुंदर लगती हो। हम तो हमेशा बिना मेकअप के आते हैं, देखो देखो हम तो हमेशा बिना मेकअप के आते हैं। देख लो इतने डरपोक लोग हैं। तो हम लोग थोड़ा सा मस्ती करते हैं छत पे। ये देखिए देख रहे एकदम सबसे ऊंचे हैं हम लोग। तो बस थोड़ी देर खेलेंगे, बच्चों को थोड़ा सा खिलाएंगे। आप लोग भी ना अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बाहर जाना। थोड़ा ऐसे भी इंजॉय, मतलब जब जैसी कंडीशन हो ना इंसान को वैसा ढल जाना चाहिए। तो हो बेशक हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पर घर पे चीज़ें ढूंढ सकते हैं जिससे हम इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए थोड़ी देर मैं बच्चों को यहाँ पर खिलाऊँगी, मतलब खेल वेल कुछ गेम वेम खेलेंगे, और उसके बाद जाएंगे नीचे खाना बनाने। आ गए हैं शाम को नीचे, और किचन में बन रही है रोटी चावल, और यहाँ मैं बना रही हूँ बरामदे में, देखिए छोटा गैस, अलग गैस लगा के, और ये गर्म है। कपड़ा दूसरा लेके हैं, तो यहाँ पे मैं मसाला बुन रही हूँ। ये देखिए, तो ये चिकन के लिए मसाला भून रही हूँ और बरामदे में बन रही हूँ। आज तो ये यहाँ पे बन रहा है बरामदे में, नहीं तो इधर बनता था गलियारे के साइड, इधर साइड, या फिर इससे पहले जब दादी थी तो दादी तो इधर साइड बनाने नहीं देती, तो उधर वाली बिल्डिंग पे बनता था। वहाँ पे एक स्पेस है खाली, तो वहाँ पे मतलब किराएदार वगैरह ज़्यादा रहते हैं उधर नीचे साइड, तो उधर ही बीच में बनता था, तो इधर साइड आता ही नहीं था, उधर से खा के उधर ही पार। और अब तो फिलहाल फिर भी यहाँ बरामदे तक बनने लगा है, बट इसके सारे बर्तन मसाले सब कुछ अलग हैं। देखिए मसाले का डब्बा रखा है नॉनवेज का, क्योंकि अंडे वंडे बनते रहते हैं ना, तो इस तरीके से मसाले का बॉक्स भी बना के रखे हैं अलग से ही। तो किचन में इसका ना कोई बर्तन जाता है ना कोई मसाला जाता है। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ रेसिपी में किस तरीके से बना रही हूँ। तो ये देखिए मसाला मैंने भुनने के लिए रख दिया है, और इस मसाले में मैंने डाला है प्याज, लहसुन और सूखी लाल मिर्च,
और अदरक ये सब मैंने इसमें डाला है, और दो खड़े लहसुन भी डाले हैं जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ज़्यादातर बिहार की रेसिपी में ये बनता है। तो अच्छे से फ्राई होने के बाद कम से कम 20-25 मिनट मैंने इसमें फ्राई किया है। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और नमक, ये सब थोड़ी सी हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, और ये सब डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और देखिए मसाला कैसे साइड से तेल छोड़ रहा है। तो इसी कंडीशन में हमको मसाला और जो अपने ड्राई मसाले हैं वो ऐड करने हैं। और देखिए अच्छे से मैं इसको भून लूँगी। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, आप देख रहे हो आप पूरे मसाले ने एकदम तेल छोड़ दिया है। तभी हम इसमें चिकन मिलाएंगे, और चिकन मिलाते हुए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं चिकन मिक्स करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अब हम इसको इसी में ढक के रख देंगे, कोई पानी नहीं डालेंगे, और इसी का पानी अपने आप छूटेगा और इसी पानी में हम इसको पकाएंगे। और जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे हमको कितनी ग्रेवी डालनी है। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया। बाय।